जय जय श्री राम। आइए बड़ीज, कैसे हो आप लोग, क्या हाल चाल स्वीडात। चलिए नमस्ते सत श्री अकाल, राम 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 भाई सारिया ने। आज है हमारे रिवीजन लेक्चर का पता नहीं कौन सा दिन, कौन सा दिन है आज, हाँ टॉर्ट का आज है हमारा दूसरा दिन। और आज हम लोग पढ़ेंगे टॉर्ट। चलिए जी तो लेट्स स्टार्ट पीपल। नमस्ते सभी को, सत श्री अकाल सभी लोग। आई होप मस्त हैं, जबरदस्त हैं, शानदार हैं, जानदार हैं, एक नंबर हैं। आ जाइए बच्चा जी, प्यारे बच्चा जी, नन्हे मुन्ने बच्चा जी, बोलो शरण तुम्हारे हमारे सुखदां, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम मेरी। यस पीपल लेट्स गो एवरीवन। चलिए जी शुरू करते हैं, शुरू करें। और साथ लेट हो गया थोड़ा, 5-10 मिनट एक्चुअली इसमें यूट्यूब पे दिक्कत आ रही थी कोई स्ट्रीम की सो हो गया बट अभी सॉर्ट। चलिए नमस्ते, राम राम सभी को, जय श्री राम, जय जय श्री राम। गुड मॉर्निंग टू एवरी वन ऑफ यू गुड मॉर्निंग। चलिए जी सो नमस्ते 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 सत श्री अकाल। चलिए जी तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ लिया था एक बार देख लेते हैं, रिवीजन को शुरू करते हैं एंड आज लॉ ऑफ टॉर्ट्स को जल्दी से खत्म करते हैं। चलिए जी तो क्या पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में, कौन बताएगा आप में से फटाफट एकदम जल्दी से बताओ बच्चों। हां जी सो हमने पढ़ लिया था आई थिंक टाइप्स ऑफ टॉर्ट तक पढ़ लिया था, अभी उसके आगे शुरू करना है ठीक है। चलो आ जाओ, बोलो शरण तुम्हारे हमारे सुख दाम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। चलिए जी सो नमस्ते सत श्री अकाल। आइए जी सभी लोग, कम ऑन लेट्स गो। तो शुरू करें बिना किसी बक वास्के। यस चलिए जी शुरू करते हैं, लेट्स गो एवरीवन, लेट्स गो एवरीवन, लेट्स गो एवरीवन, लेट्स गो एवरीवन, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। चलिए सो हमारा लॉ ऑफ टॉर्ट में कहां तक हो गया था, आई थिंक टाइप्स ऑफ टॉर्ट तक हो गया था, कितने प्रकार के टॉर्ट होते हैं, थोड़ा बॉडी की सेफ्टी। सो यस चलिए गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग गाइस सभी को, गुड मॉर्निंग नमस्ते सत श्री अकाल है ना जी। सो आप सभी लोग मस्त हैं, जबरदस्त हैं, एक नंबर हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ, बैठ जाइए जल्दी जल्दी बैठ जाइए बैठ जाइए, अब शुरू करें। चलो ओके नेक्स्ट आता है बच्चा, ध्यान देना सारे जी, मेंसरिया। बताइए जी क्या है मेंसरिया, व्हाट इज मेंसरिया, व्हाट इज मेंसरिया, बोलो भाई व्हाट इज मेंसरिया। मेंसरिया की मैक्सिम है, क्या है मैक्सिम बोलो, कौन सी है, एक्टस नॉन फैसेट्रियम नीसी मेंसेट्रिया। बैठो रिया बैठ जाओ, बताओ कौन सी है, एक्टस नॉन फैसेट्रियम नीसी मेंसेट्रिया, याद है सभी को, फिर से बोलो कौन सी है, एक्टस नॉन फैसेट्रियम नीसी मेंसेट्रिया, बोलो हाँ या ना, फिर से बोलो कौन सी है बच्चों, एक्टस नॉन फैसेट्रियम नीसी मेंसेट्रिया। क्या मतलब है इसका, एक्ट इटसेल्फ क्रिएट नो गिल्ट इन अब्सेंस ऑफ गिल्टी माइंड, आपका कार्य तब तक गलत नहीं है जब तक आपकी सोच गलत नहीं है, बोलिए हाँ या ना, आपका कार्य तब तक गलत नहीं है जब तक आपकी सोच गलत नहीं है, बराबर पढ़ा था, पढ़ा है ये हमने, बहुत इंपॉर्टेंट ये इंग्रेडिएंट है किसका, क्राइम का, एग्जैक्टली तो क्राइम में तो आप तभी लायबल होते हो जब आपकी इंटेंशन गलत है, अगर आप प्रूफ कर दो कि आपकी इंटेंशन गलत नहीं थी तो आप ऑब्वियसली बात है कि लायबल नहीं रहोगे, बट किसकी बात हो रही है, क्राइम की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो सिर्फ क्राइम में ऐसा है कि आप सिर्फ तभी लायबल रहोगे जब आपकी इंटेंशन गलत है, आपकी इंटेंशन गलत नहीं है आप लायबल नहीं रहोगे, बट इट ओनली सेज अबाउट क्राइम।
बट नाउ जब हम टॉर्ट की बात करते हैं तो क्या ये रूल अप्लाई होगा कि मेरी इंटेंशन गलत है तो ही मैं लायबल रहूंगा? क्या टॉर्ट में ये रूल लगेगा? लगेगा? शी इज सेइंग यस, लगेगा. शी इज सेइंग लगेगा. टॉर्ट में भी ये रूल लगेगा कि आपकी इंटेंशन गलत होगी तो ही आप लायबल रहोगे, अदरवाइज नहीं. चलो आप ही बताओ जिसने कहा लगेगा. मैंने दिवाली का दिन था, रॉकेट जलाया, रॉकेट जलाया, रॉकेट गया सामने वाले के घर. ठीक है, रॉकेट जलाया, रॉकेट गया सामने वाले के घर और आग लग गई, क्या मैं लायबल रहूंगा? मेरी कोई इंटेंशन गलत नहीं थी, मैं तो रॉकेट सीधा चाहता था जाए, हल्का सा हवा के कारण टेढ़ा हुआ, उसके घर चला गया, आग लग गई, क्या मैं लायबल रहूंगा? बस हाँ या ना में बताओ, क्या मैं लायबल रहूंगा? यस और नो? सो एज पर लॉ ऑफ टॉट्स, यस मैं लायबल रहूंगा. सो मेंसरिया का रूल टॉट में जरूरी नहीं है कि लगे. मेंसरिया का रूल कहां पे लगता है? क्राइम में लगता है. मेंसरिया का रूल कहां पे लगता है बच्चा? यस यू आर राइट. मेंसरिया का जो रूल है वो क्राइम में तो लगता है 100% लगता है, क्राइम में फॉर श्योर लगता है, लेकिन टॉट में जरूरी नहीं है. याद रखना जी, टॉट में जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि ये लगे. तो इसको क्या रखना है आपको अच्छे से याद मेरे बच्चों, कि किसमें लगता है ये कंपलसरी? फिर से बताओ, किसमें लगता है ये कंपलसरी? आवाज नहीं है, किसमें लगता है ये कंपलसरी? अरे बोल भी तो जाने मन, किसमें लगता है कंपलसरी? क्राइम में तो कंपलसरी लगता है, बराबर क्या? सो क्राइम में तो कंपलसरी लगता है. किसमें जरूरी नहीं है लगे? किसमें जरूरी नहीं है लगे, जल्दी से बताओ. वेरी गुड, लॉ ऑफ टॉट्स, वंडरफुल पीपल, प्राउड ऑफ यू, ऑसम, एक नंबर. अब क्या है लॉ ऑफ टॉट्स में हम लोग बात करते हैं, ध्यान देना. ठीक है, लॉ ऑफ टॉट में एक लायबिलिटी है जिसका नाम है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. बोलो कौन सी लायबिलिटी बच्चों? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. हां जी, आ जाइए आ जाइए आ जाइए. जो न्यू सिलेबस वाले हैं उनको टॉट के मुझे बहुत सारे केस लॉज और एग्जाम्पल कराने हैं, वो हम लोग इवनिंग वाले सेशन में करें. आज शायद हो सकता है इवनिंग वाला सेशन ना हो, आज और परसों 6:30 वाला, क्योंकि आज एक मीटिंग है और परसों आई एम लीविंग फॉर नागपुर. तो परसों मेरी 6 बजे की फ्लाइट है नागपुर की, तो मैं मॉर्निंग का तो सेशन लूंगा परसों, मतलब सैटरडे. परसों सैटरडे है ना, है ना? हाँ. सो परसों मैं हूं नहीं, तो परसों मॉर्निंग का सेशन लूंगा ये वाला, बट इवनिंग का सेशन परसों नहीं होगा. संडे को मैं आ जाऊंगा शाम को वापस. सो मंडे से वापस कंटिन्यू, संडे को छुट्टी रहेगी आपकी, संडे को कोई लेक्चर नहीं होगा. ठीक है, और आज का 6:30 का आई विल कन्फर्म यू, मैं आपको कन्फर्म करूंगा. मीटिंग अगर स्केड्यूल हो गई तो बेस्ट, नहीं तो फिर आज का 6:30 वाला सेशन मुश्किल है होना. सैटरडे को भी सेम क्लास जैसे रहती है वैसे ही है ना, उसमें कोई चेंज नहीं. चलो आ जाइए, मूविंग ऑन. सो ओके, आ जाओ जल्दी से, आ जाओ जल्दी से, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ. मेंसरिया का मतलब क्या होता है फिर से एक बार मैक्सिम बोलो. एक्टस नॉन फेसिट्रियम नीसी मेंसिट्रिया. अरे बोलो हाँ या ना. अब लॉ ऑफ टॉट में लगता है कि नहीं लगता है जल्दी बताओ. लॉ ऑफ टॉट में लगता है कि नहीं लगता है जल्दी बताओ. अरे बोलो हाँ या ना. अच्छा अब सुनो मेरी बात ध्यान से सारे बच्चे प्लीज. ओए सुनो, मैंने, मेरी इंटेंशन नहीं थी किसी को डिफेम करने की, बट जो एक्ट था वो काइंड ऑफ अ डिफेमेटरी था. मेरी इंटेंशन नहीं थी किसी को डिफेम करने की, बट जो एक्ट था वो काइंड ऑफ डिफेमेटरी था. क्या मैं फिर भी लॉ ऑफ टॉट्स में लायबल हो सकता हूं? हमारी बालकनी में चड्डियां सूख रही थी, एक पिंकी आंटी आई, उन्होंने हमारी बालकनी से चड्डियां उतारी और मैंने रंगे हाथों देख लिया. ठीक है, रंगे हाथों देख लिया. मैंने मोहल्ले में शोर मचाया कि पिंकी आंटी चड्डी चोर, गली गली में शोर है पिंकी आंटी चड्डी चोर है. कहां शोर मचाया? गली गली में. कहां जी? गली गली में. पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, न्यूज चैनल वाले आ गए, लाइव टेलीकास्ट होने लगा, नारे लग रहे हैं. पिंकी आंटी को गुस्सा आया. पिंकी आंटी घर के बाहर आई, बोली क्या मेरे नाम से क्यों इतना बुरा बुरा बोल रहे हो? मैंने कहा देखो बालकनी हमारी थी, उसमें सूखी हुई चड्डियां हमारी थी,
हमने मैंने वीडियो बनाया, देखो आप इसको उतार रहे थे और अभी आप चड्डी चोरो। सो पिंकी आंटी वॉज लाइक कि यार सुनो मेरी बात, पहली बात तो ये कि मैं तुम्हारे घर जो गई चड्डियां उतारने के लिए, वो इसलिए गई क्योंकि तुम्हारे घर वालों ने परमिशन दी थी। और दूसरी बात तो ये कि चड्डियां तुम्हारी नहीं, हमारे घर की थी, तो हमारे यहाँ धूप नहीं आती तो हमने सुखाने रखी थी। अब इसमें दोनों में ये इस चीज सामने निकल के आई कि मेरा जो इल्जाम था पिंकी आंटी पे वो झूठा है, बट मेरी इंटेंशन पिंकी आंटी को डिफेम करने की नहीं थी। नहीं, मैं इंटेंशन डिफेम करने की कब होती है, जब वैसा ना हो और आप वैसा बोलना चाहो, बट मुझे तो सेम वैसा लग रहा था, मेरी इंटेंशन बिल्कुल भी गलत नहीं थी। क्या फिर भी मैं लॉफ टॉट में लायबल हो सकता हूं, और मुझे क्या पिंकी आंटी को डैमेजेस देने पड़ सकते हैं जो उनका लाइव टेलीकास्ट हुआ है पूरे चैनल पे, गली गली में शोर है, पिंकी आंटी चड्डी चोर है, मोहल्ले के सामने जो बदनामी हुई है भले अनजाने में किया मैंने, बट फिर भी क्या मैं लायबल हो सकता हूं? आंसर इज यस। लॉ ऑफ टॉट्स में मेंसरिया का रूल बहुत सारे केसेस हैं जिसमें नहीं लगता। इसे कहते हैं लायबिलिटी विदाउट फॉल्ट। क्या बोलते हैं इसको? लायबिलिटी विदाउट फॉल्ट। दिस इज नोन एज लायबिलिटी विदाउट फॉल्ट। आपकी कोई गलती नहीं है फिर भी आप लायबल हो यहां पे। अरे बोलो यस और नो। ठीक है, हो सकता है आपका मेंसरिया नहीं होगा तो भी आप लायबल हो। क्या आंसर इज यस? अरे बोलो हाँ या ना। अरे बोलो यस और नो। अरे बोलो यस और नो। चलिए एक और आंसर देता हूं मैं, एक और क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, आंसर देना ठीक है। अब थोड़ा बात निकली है तो दूर तक जाएगी। मैं गाड़ी चला रहा हूं, एकदम जितनी स्पीड थी उतनी में ही चल रही है, 100 की लिमिट थी 90 में चल रही है गाड़ी, एंड मैं कोई ओवर स्पीडिंग नहीं कर रहा हूं, मेरे पास लाइसेंस है, सीट बेल्ट पहनो, पूरे गाड़ी के पेपर्स हैं, मैं पूरा लॉ फॉलो कर रहा हूं। 90 की 100 की स्पीड थी मैक्सिमम लिमिट हाईवे की, मैं 95 पे चल रहा हूं, 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 एकदम से कोई पागल औरत सामने आ गई। कौन आ गई सामने? कोई भी एक पागल औरत सामने आ गई। हम तो उड़ गए उड़ गए उड़ गए, उड़ गई वो। अब क्या मैं क्राइम में तो मैं लायबल नहीं रहूंगा? अच्छा, उसकी मान लो डेथ हो जाए या वो डिसेबल हो जाए, या तो डेथ हो जाए या डिसेबल हो जाए, मेरी इंटेंशन गलत थी? नहीं, गलती किसकी थी? उस पागल औरत की ही थी। ठीक है, पर फिर भी क्या मैं मुझे पैसे देने पड़ सकते हैं? यस, इवन इट इज रिटन इन मोटर व्हीकल एक्ट, सेक्शन 140 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट, सेक्शन 140 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपके गाड़ी चलाने से भले आपकी इंटेंशन गलत नहीं थी, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को लग जाती है, उसको डेथ हो जाती है, डिसेबल हो जाती है, तो आपको 50,000 रुपए देने पड़ते हैं डेथ के केस में, और 25,000 रुपए देने पड़ते हैं अगर वो परमानेंटली डिसेबल हो जाता है। तो ये मोटर व्हीकल एक्ट में लिखा है। कहां लिखा हुआ है? मोटर व्हीकल एक्ट। मेरा पुष्कर सर का फोन आ रहा है। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं बोल रहा था आज मैराथन है ना आपका ईटी का? हाँ, नहीं, बराबर। मैं बोल रहा था वो ना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बच्चों को थोड़ा करवा देना। हम ऐसे तो एमसीक्यू है, लेकिन हाँ फिर भी वो करवा देना, बच्चे के बहुत मैसेज आते हैं उसके, तो इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है, ठीक है, चलेगा सर। ओके सर, ओके सर, ओके ओके, यस, थैंक यू, बाय। चलिए भाई आ जाइए। हाँ जी, कहाँ थे हम? कहां थे हम? हाँ, सो मोटर व्हीकल एक्ट में लिखा हुआ ये तो। अरे तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है, और ऐसे हो जाए तो भी तुम लायबल हो क्या? यस, बिल्कुल लायबल हो, 100%। मेरे साथ नागपुर में एक बारी कांड हुआ था, जब मैं पढ़ता था, मैं घर आ रहा था, मेरा फ्रेंड मेरे को रेलवे स्टेशन छोड़ रहा था, बहुत सारे बैग थे, हम बाइक पे थे, बाइक पे अब बैग कैसे रखें? एक बैग उसने सामने रखा, एक बड़ा सा बैग था, मैंने ऐसे रखा, हल्का सा वो बाहर निकला हुआ था। सो एक लेडी गाड़ी चला रही थी, एक लेडी जो है वो गाड़ी चला रही थी, हम जैसे हमारी बाइक यहां पे है, उसकी गाड़ी इधर से ऐसी आ रही है। वो लेडी की गलती थी ऑब्वियसली, उसने हैंडल टकरा दी मेरे बैग पे पीछे से आते हुए और गिर गई, और बहुत गंदा गिरी, मतलब गाड़ी आगे है वो पलटियां मार रही है, मन तो नहीं किया रुकने का, बट फिर रुके हम लोग, आंटी को उठाया, आंटी को बिठाया, फिर आंटी को सामने ही हॉस्पिटल, ट्रेन तो छूट गई मेरी, ठीक है, वैसे मैं जहाँ रहता था बालाघाट, वो पास में ही है तो बहुत सारी ट्रेन रहती है फ्रीक्वेंटली, तो मेरे को दिक्कत नहीं थी। तो हॉस्पिटल लेके गए, तो हॉस्पिटल ले गए,
तो रूड सा आंटी का हस्बैंड आया और बोला जितना खर्चा होगा तुमको देना पड़ेगा। वी वर लाइक, हमारी गलती नहीं है, गलती आंटी की। एक तो समाज सेवा करके आंटी को हॉस्पिटल लेके आ रहे हैं और हमारे पे चढ़ रहे हो भाई, भलाई का जमाना नहीं है। उसने मेरे पापा से बात किया, तो भी आप विश्वास नहीं करोगे, 22,000 रुपीज मेरे को मतलब पापा को देने पड़े थे उसको। 22,000 रुपीज, पुलिस वुलिस आ गई थी, 22,000 रुपए देने पड़े थे। वो बात है 2014 की। तो ये हो सक, आपकी गलती है ही नहीं कुछ भी, लेकिन फिर भी आप लायबल हो सकते हो। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो वहां पे मेंसरिया जो है भैया, हो सकता है कई बार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले ना करे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान देना सभी लोग, इस पे आऊंगा वापस। सबसे इंपॉर्टेंट इसका केस है, बोलो कौन सा? रेलैंड वर्सेस फ्लेचर। अरे बोलो कौन सा केस है? रेलैंड वर्सेस फ्लेचर। आवाज नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट केस कौन सा बच्चों? रेलैंड वर्सेस फ्लेचर। उसे ही हम कहते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। बोलो क्या कहते हैं? आवाज नहीं। क्या कहते हैं? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। क्या हुआ था इस केस में? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रेलैंड वर्सेस फ्लेचर में, देर वॉज अ मिल ओनर, ठीक है, बाजू में क्या थी? कोल माइन, याद है आप सभी को? बाजू में क्या थी? कोल माइन। देर वॉज अ मिल ओनर। मिल ओनर ने किसी इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर को बुलाया और बोला यहां पे पानी की टंकी बना दो। क्या बना दो? पानी की टंकी बना दो। किसी इंजीनियर को बुला के, इंजीनियर चमन आदमी था थोड़ा सा, उसने ढंग से काम किया नहीं, देखा नहीं नीचे, पहले माइनिंग वाइनिंग का काम था, उसने ढंग से देखा नहीं, पूरा पानी यहां से निकल के बाजू की कोल माइन चला गया। एंड बाजू की कोल माइन तो अस्त नष्ट हो गई, पूरी पूरी अष्ट नष्ट ठष्ट हो गई। अब क्वेश्चन ये था, कोल माइन वाले को पैसे कौन देगा? कॉन्ट्रैक्टर देगा जिसकी एक्चुअल में गलती है, कि मिल ओनर देगा? कॉन्ट्रैक्टर देगा कि एक्चुअल मतलब कि जिसकी गलती है, कि मिल ओनर देगा। सो वहां पे जो जज थे, जिसका नाम था ब्लैकबर्न, क्या नाम था? ब्लैकबर्न जे। क्या नाम था जिसका? ब्लैकबर्न जे, काला जला हुआ जे, ठीक है, ब्लैकबर्न जे। क्या नाम था जज साहब का? अरे बोलो क्या था जज साहब का? ब्लैकबर्न जे, काला जला हुआ जे। काला जला हुआ जे जो जज साहब थे, उन्होंने कहा कि इफ यू ब्रिंग समथिंग इन टू योर लैंड, अगर आप अपने जमीन पे कोई चीज लेके आते हो, एंड इफ इट एस्केप, वो चीज इधर चली जाती है एंड कॉज डैमेज टू अदर, दूसरों को नुकसान पहुंचाती है, देन यू आर लायबल फॉर इट। आप इसके जिम्मेदार हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट। फर्क नहीं पड़ता इस बात से वेदर यू हैव टेकन केयर और नॉट, आपने केयर की थी कि नहीं की थी। क्या बोला जज साहब ने? क्या बोला ब्लैकबर्न जे ने? क्या कहा? इफ यू ब्रिंग समथिंग इन टू योर लैंड एंड इफ इट एस्केप एंड कॉज डैमेज टू अदर, देन यू आर लायबल फॉर इट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर यू हैव टेकन केयर और नॉट। बोलो क्या कहा? इफ यू ब्रिंग समथिंग इन टू योर लैंड एंड इफ इट एस्केप एंड कॉज डैमेज टू अदर, देन यू आर लायबल फॉर इट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर यू हैव टेकन केयर और नॉट। फिर से बोलो क्या कहा? इफ यू ब्रिंग समथिंग इन टू योर लैंड एंड इफ इट एस्केप एंड कॉज डैमेज टू अदर, देन and cause damage to other, then you are liable for it, irrespective of the fact whether you have taken care or not. So you are answerable for the such damages. So bhai sahab, ye same case tha Reland versus Fletcher ka. Kahan ka case tha bachcha ye? Reland versus Fletcher. Ab isme ek aur question tha jo Reland ne kiya. Reland ne kya kiya? Kahin pe bhi khudai kar diya aur usme pani dal diya. मतलब आपको पानी स्टोर करने के लिए भगवान ने लेक बनाए हैं, नदियां बनाई हैं, समंदर बनाए हैं, आप कहीं पे भी गड्ढा कर दो, पानी डाल दो, चलेगा क्या भाई? तो ये किसने किया? भाई साहब बंदे ने किया, मिलोनर वाले ने। अब मेरे को एक बात बताइए, पीपल जो मिलोनर वाले ने किया, रिजर्वेयर बना दिया है ना, टंकी बना दिया पानी की, ये जमीन का नेचुरल यूज है कि नॉन नेचुरल यूज? तो दिस इज अ जमीन का नॉन नेचुरल यूज। नेचुरल यूज क्या होता है? बिल्डिंग बनाओ, घर बनाओ, खेती करो, ये नेचुरल यूज होता है। अब ये कहीं पे भी आप पानी की टंकी बना दोगे, जगह जगह आपको पानी की टंकियां मिल जाए, ऐसे शहर में कैसे चलने वाला है? तो ये जमीन का नॉन नेचुरल यूज है माना गया, एंड ऑब्वियस सी बात है, फैक्ट भी है, ये जमीन का क्या माना गया बेटा? नॉन नेचुरल यूज। बोलो क्या माना गया बच्चों? आवाज नहीं। क्या माना गया? नॉन नेचुरल यूज। अरे बोलो यस और नो। अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है मेरे बच्चों, बोलो यस और नो, ठीक है। तो इसी को कहते हैं लायबिलिटी फॉर इनएविटेबल एक्सीडेंट। बोलो क्या कहते हैं इसको? लायबिलिटी फॉर
फॉर्म इनएविटेबल एक्सीडेंट, बोलो क्या कहते हैं इसी को, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को ही क्या कहते हैं, बोलो क्या, लायबिलिटी फॉर इनएविटेबल एक्सीडेंट, ऐसा एक्सीडेंट जो अब हो गया वो कंट्रोल में नहीं था, ठीक है। सो एस्केप हो अगर हो जाए आपकी जमीन से किसी भी चीज का और दूसरों को नुकसान पहुंच जाए, आप उसके जिम्मेदार हैं, फर्क नहीं पड़ता आपकी गलती है या आपकी गलती नहीं है। मेरे घर पे चार भैंस है, पांच बैल है, चार भैंस पांचों बैल को एक दिन मैंने खुला छोड़ दिया, वो आपके घर में तांडव करके आए हैं भाई साहब, पूरे घर की तहस नहस कर दी आपकी, क्या उसका जिम्मेदार मैं रहूंगा? यस, भली मेरी गलती ना हो, बोलो हाँ या ना। अगर मान लीजिए मेरे घर पे कोई केमिकल लीक हो जाता है और आपको नुकसान पहुंच जाता है, क्या मैं लायबल रहूंगा? यस भाई साहब। मान लीजिए मेरी मम्मा ने मिर्ची लेके आई धूप में सुखाने के लिए, बालकनी में रखी, बाजू के पड़ोस में घर था, बाजू के पड़ोस के घर में कमरा था, पूरी मिर्ची उड़ के कमरे मतलब उनके कमरे में चली गई और उनका क्या ही हो गया, कमरे की माँ बहन हो गई पूरा, समझ रहे हो ना। सो भाई साहब पूरा मिर्ची मिर्ची हो गया उनका कमरा, अब वो बेचारे रात को सो रहे थे या जो भी कर रहे थे, पूरा मिर्ची में उन्हें सब, समझ रहे हो आप। सो मेरे को ये बताइए आप, क्या मेरी मम्मा लायबल हो सकती है? यस, भली उनकी गलती नहीं है। तो कहने का मतलब, इफ यू ब्रिंग समथिंग इनटू योर लैंड एंड इफ इट एस्केप एंड कॉज डैमेज टू अदर, देन यू आर लायबल फॉर इट इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर यू हैव टेकन केयर ऑर नॉट। याद रहेगा, बोलिए फिर से, इफ यू ब्रिंग समथिंग इनटू योर लैंड एंड इफ इट एस्केप एंड कॉज डैमेज टू अदर, देन यू आर लायबल फॉर इट इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर यू हैव टेकन केयर ऑर नॉट। अरे बोलो यस और नो, ठीक है, चलिए मूविंग ऑन। नेक्स्ट है भैया, ध्यान देना सारे बच्चे, नेक्स्ट है भैया सारे बच्चे ध्यान देना, लायबिलिटी फॉर इनएविटेबल मिस्टेक। आप किसी की रेपुटेशन के साथ गलत करते हैं, किसी की प्रॉपर्टी के साथ गलत करते हैं, भले ही अनजाने में करते हैं तो भी आप लायबल रहेंगे? यस, बिल्कुल लायबल रहेंगे, है ना। आप मान लीजिए नशे में किसी के घर घुस गए बेवड़ेपने में, तो भी आप लायबल है ना। अच्छा, विकेरियस लायबिलिटी क्या होता है वो हम अभी पढ़ने वाले हैं, बोलो हाँ या ना। वेरी गुड पीपल, प्राउड ऑफ यू, वंडरफुल। अच्छा अब ध्यान देना, कौन से केसेस हैं जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के एक्सेप्शन में आते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के एक्सेप्शन में आते हैं? हाँ बताओ कि कुछ केसेस में आपकी जमीन से चीजें एस्केप होगी फिर भी आप बच सकते हो, आप लायबल नहीं रहोगे, तो वो कौन से केसेस हैं? आइए देखते हैं, आज लॉ ऑफ टॉर्ट का लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है, 40-45 मिनट्स में खत्म कर देंगे, देन वी विल स्टार्ट विद एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, राइट पीपल। चलिए तो चिंता मत करना, है ना जी, आ जाइए जल्दी से फटाक से। हाँ सो कहां थे हम, एक्सेप्शंस। कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे अरे बोलो, कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे, हाँ अच्छा एक चीज मैं भूल गया बताना, एक केस था रीड वर्सेस लायन का, रीड वर्सेस लायन का एक केस था, ये खासकर न्यू वालों को दिया हुआ है बट ओल्ड वालों को भी पढ़ लो सुन लो, रीड वर्सेस लायन का केस था। इसमें क्या डिसाइड हुआ कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी मतलब आपके यहां से कोई चीज एस्केप हो रही है, इधर उधर जा रही है, आप उसके लिए लायबल हो, बट उसके लिए दो कंडीशन होना मैंडेटरी है। पहला, एस्केप ऐसी जगह से हुआ जहां पे डिफेंडेंट का कंट्रोल था, डिफेंडेंट मतलब जिस पे केस हो रहा है, लाइक मेरी जमीन से इधर उधर चीज निकली है तो वो जमीन मेरे कंट्रोल में थी और मैंने जमीन का नॉन नेचुरल यूज किया था। बोलो क्या क्या था जमीन का? नॉन नेचुरल यूज। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में लायबल होने के लिए दो सिचुएशंस, दो चीजें कंपलसरी चाहिए, एक तो आपने जमीन का नॉन नेचुरल यूज किया है और दूसरा जहां से चीज एस्केप हुई है वो जगह आपके कंट्रोल में थी, जहां से वो जगह वो चीज एस्केप हुई है वो जगह आपके कंट्रोल में थी। अरे समझा क्या? चलो ग्रेट, ओके। अच्छा, कुछ केसेस में आपके यहां से चीज एस्केप हुई फिर भी आप लायबल नहीं रहोगे, वो कौन से केसेस हैं? आइए देखते हैं। नेचुरल यूज ऑफ लैंड, एस्केप ड्यू टू नेचुरल यूज ऑफ लैंड, लेट मी आस्क यू, मेरे को जल्दी से बताना। स्विमिंग पूल बनाना, बिल्डिंग के ऊपर पानी की टंकी बनाना फॉर डोमेस्टिक यूज, क्या ये जमीन का नेचुरल यूज है? स्विमिंग पूल बनाना और बिल्डिंग के ऊपर पानी की टंकी बनाना फॉर डोमेस्टिक यूज, क्या ये नेचुरल यूज है? यस, इसे नेचुरल यूज में माना जाएगा। किस में माना जाएगा? नेचुरल यूज। बट तुम कहीं पे भी रेलेंड वर्सेस फ्लेचर के जैसे कहीं पे भी तुम रिजर्वेयर बना लोगे, वो नेचुरल यूज है? नो, नेवर एवर। बोलो हाँ या ना, अगर तुम जमीन का नेचुरल यूज करते हो और कोई चीज एस्केप हुई तो तुम लायबल नहीं हो नेचुरल यूज में, नेचुरल यूज में आप लायबल नहीं हो, एक्सेप्शंस में आता है। काय में आता है? एक्सेप्शन। अगर नेचुरल यूज हो रहा है जमीन का और कोई चीज एस्केप हो गई तो आप लायबल, अरे बोलो हो कि नहीं हो? नहीं हो, बोलो हो कि नहीं हो?
जल्दी से हो कि नहीं हो तो आप लायबल, फिर से बताओ हो कि नहीं हो, आंसर इज आप लायबल नहीं हो, आप लायबल नहीं हो। इसका एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है। एक आप रेस्टोरेंट, आप किसी होटल में रुकने के लिए गए, वहां पे स्विमिंग पूल था, स्विमिंग पूल से थोड़ा सा पानी बाहर आ गया, ऑब्वियसली सब इतने लोग अंदर रहेंगे थोड़ा पानी तो बाहर आएगा, हल्का सा पानी बाहर आया, आप दौड़ दौड़ के जा रहे थे, फिसल के धम से गिर गए, धड़ाक से, धड़ से, ठीक है, बहुत जोरदार गिर गए धड़ाक से एकदम। क्या आप होटल वाले पे केस कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो तो उनका नेचुरल यूज कर रहे थे, है ना, क्या कर रहे थे, नेचुरल, आपको संभल के जाना चाहिए था। अरे बोलो हाँ या ना। लेकिन यही लेते हैं अभी दूसरा एग्जांपल, अगर उन्होंने वैसे ही पानी की टंकी कहीं पे भी बना दी होती, कहीं पे भी रिजर्वर बना दिया होता, है ना, नॉन नेचुरल यूज कर रहे होते, अब कुछ पानी इधर उधर जाता और दूसरों को नुकसान पहुंचता, अब केस कर सकते थे? यस। तो जमीन का नेचुरल यूज कर रहा है कोई, तो फिर चीजें एस्केप भी हो गई, पानी इधर उधर चला भी गया, तो वो व्यक्ति लायबल नहीं है, बिकॉज इट्स अ नेचुरल यूज, बट नॉन नेचुरल यूज में वो लायबल रहेगा। याद रहेगा बच्चों? चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ पहले ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ। व्हाट डू यू मीन कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ? बोलो, व्हाट डू यू मीन कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ? बोलो, बोलो, कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ मतलब क्या? मैं और मेरी बीवी एक ही घर पे रहते हैं, ठीक है, मैं और मेरी बीवी कहां रहते हैं? एक ही घर पे रहते हैं, बराबर। अब सुनो हुआ क्या, मैंने बोला कि पानी ना बहुत धीरे आता है बाथरूम का, थोड़ा फोर्स और अच्छा करते हैं पानी का, तो उसने बोली ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब हुआ क्या, वाटर पाइपलाइन इंस्टॉल हो रहा था, एकदम से बहुत ज्यादा पानी आ गया, बहुत ज्यादा, समझ लो घर में बाढ़ जैसी हो गई पूरी, ठीक है, और उसके कारण उसको बहुत नुकसान हुआ, वो मेरे पे केस करना चाहती है, कर सकती है? नहीं, क्योंकि वाटर पाइपलाइन इंस्टॉल करने के लिए परमिशन किसने दी थी? उसी ने दी थी। बोलो हाँ या ना। अरे बोलो यस और नो। अच्छा मान लो, से फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट चल रहा है गोकुलधाम सोसाइटी में, क्या चल रहा है? क्रिकेट। टप्पू भाई हमारे क्या कर रहे हैं? बैठे। सोनू क्या कर रही है? बॉलिंग, ठीक है, और माधवी भाभी बालकनी से देख रही है, साथ में चंबक चाचा भी है, ठीक है, ओके। सो अब माधवी भाभी ने कही बेटा टप्पू इस साइड बॉल मारो, इस साइड, मेरे साइड। टप्पू ने कहा माधवी आंटी लग जाएगा आपको, सासूमा लग जाएगा, ठीक है, आप ऐसे मत करो। माधवी भाभी कहती है नहीं मारो, मैं कैच पकड़ूंगी। टप्पू ने जोर से शॉट मारा और माधवी भाभी को लगा पट से हेड शॉट। अब मेरे को बताओ टप्पू लायबल होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहां पे माधवी भाभी की क्या है? कंसेंट। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ। क्या बोलते हैं इसको? कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ, ओके, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। अगर थर्ड पार्टी की गलती है तो आप लायबल रहोगे? अरे बोलो यस और नो। अरे बोलो हाँ या ना। हाँ, अच्छा मान लीजिए, इसका एग्जाम्पल देता हूं एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी का। मान लीजिए से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बैल है, मेरे पास कौन है? बैल। मैंने उसको रस्सी से बांध के रखा है मेरे खेत में, बैल को, ठीक है। एक दिन मैं खाना खाने के लिए घर गया, खेत में बैल था रस्सी से बंधा हुआ, बराबर, बैल रस्सी से बंधा हुआ खेत में था, ठीक है। अब्बड़ सर आए, बैल को खुला छोड़ दिए, बोले चल रेस लगाएंगे। बैल के साथ क्या बोले? क्या लगाएंगे? रेस लगाएंगे। छोड़ दिए खुला, और बैल ने आशीष सर को जाके मार दिया। किसको मारा? आशीष सर को। अब क्वेश्चन ये, आशीष सर किस पे केस करेंगे, मेरे पे कि अब्बड़ सर पे? तो ये एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी है, यहाँ पे अब्बड़ सर की गलती है, लायबल भी कौन होंगे? अब्बड़ सर। भली वो चीज एस्केप मेरी जगह से हुई है, बट इसमें मेरा कोई भी योगदान नहीं है, तो लायबल कौन होंगे? अब्बड़ सर। इसे कहते हैं एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। बोलो क्या कहते हैं इसे? एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। अरे बोलो क्या कहते हैं इसे? अरे बोलो क्या कहते हैं? हाँ, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। बहुत बढ़िया, चलो मूविंग ऑन। नेक्स्ट है बेटा, एक्ट डन अंडर अथॉरिटी ऑफ स्टैच्यू। एक्ट डन अंडर अथॉरिटी ऑफ स्टैच्यू मतलब, एक्ट डन अंडर अथॉरिटी ऑफ स्टैच्यू मतलब कोई आप काम कर रहे हो लॉ के तहत। जनरली जितनी भी अथॉरिटीज हैं, जैसे वाटर अथॉरिटी, गैस अथॉरिटी, इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, ये लोग कभी लायबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये तो लॉ के तहत काम कर रहे हैं। अब मान लो आपके जो शहर में वाटर अथॉरिटी, उससे पानी एस्केप हो गया,
जो इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी थी उससे पूरे शहर में इलेक्ट्रिसिटी करंट हो गया, कोई गैस अथॉरिटी गैस लीक हो गया, लॉ कहता है वो लोग लायबल नहीं होंगे क्योंकि वो लोग लॉ के तहत काम कर रहे थे। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि वाटर लाइन्स, अब हमारे शहर में वाटर लाइन्स होती है, एक दिन मान लो वाटर लाइन्स बर्स्ट हो गई पूरी शहर में, फ्लड हो गया, तो क्या वाटर अथॉरिटीज लायबल होगी? नो, बिकॉज दे आर वर्किंग एज पर द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, लॉ के कहने पर काम कर रहे हैं, वो लोग लायबल नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहे हैं ना? चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है एक्ट ऑफ गॉड। बोलो नेक्स्ट क्या है? अरे बोलो नेक्स्ट क्या है? एक्ट ऑफ गॉड। अब एक्ट ऑफ गॉड मान लीजिए, से फॉर एग्जांपल दोस्तों, एक मेरा स्विमिंग पूल है, ठीक है स्विमिंग पूल है। अब ना एक दिन क्या हुआ, स्विमिंग पूल नॉर्मल डिसेंट हाइट में भरा हुआ था, बहुत ज्यादा बारिश आ गई एक दिन, बहुत ज्यादा, तो स्विमिंग पूल से पानी फ्लोट होते होते रोड तक चला गया, रोड से होते होते किसी के घर तक चला गया। तो क्वेश्चन ये है, क्या मैं लायबल रहूंगा? नो, क्योंकि अब यहां पे गलती किसकी है? बारिश की, तो मैं लायबल नहीं रहूंगा। समझ में आ रहा है ना यार, सबके एग्जांपल देते हुए चल रहा हूं। नेक्स्ट है प्लेंटिफ ऑन डिफॉल्ट। बोलो नेक्स्ट क्या बेटा? आवाज नहीं। नेक्स्ट क्या है? प्लेंटिफ ऑन डिफॉल्ट। नाउ व्हाट डू मीन बाय प्लेंटिफ ऑन डिफॉल्ट? कि किसकी गलती है जो केस कर रहा है? उसकी खुद की गलती है। बोलो किसकी गलती है? अरे बोलो किसकी गलती है? अरे बोलो ना किसकी गलती है? अरे बोलो किसकी गलती है? जो केस कर रहा है उसकी खुद की गलती है, तो भी आप लायबल नहीं रहोगे। ठीक है एग्जांपल देता हूं, मेरे घर चोरी करने आए, चोरी करने आए, थोड़ी देर बैठे थक गए, चोरी कर सामान तो मिल नहीं रहा था आपको, आपने देखा एक दूध का ग्लास है, आप पी गए, उसमें चूहे मारने की दवाई थी, ठीक है वो चूहों के लिए रखा था हमने, वो चूहे पीते हैं मर जाएंगे, आपने चूहे मारने की दवाई थी, आप ही मर गए, या आपको बहुत सीरियस पॉइजन हो गया, क्या मैं लायबल रहूंगा? नो, यहाँ पे गलती किसकी है? आपकी खुद की। इसका एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि से फॉर एग्जांपल मैं दिवाली का दिन था, एक आंटी आई, आंटी ने बोली बेटा मुझे रॉकेट जलाने दो, मैंने कहा लो आंटी रॉकेट जलाओ, आंटी रॉकेट जला रही थी, मैंने कहा आंटी थोड़ा सा ऐसे बॉटल में जलाओ सीधा जाएगा, आंटी कहती बेटा मैं हाथ से छोड़ूंगी मुझे आदत है, ठीक है मैं कहा वाह आंटी ठीक है अच्छी बात है। अब आंटी ने हाथ में लिया रॉकेट, आंटी ने रॉकेट बोला, आंटी के अंकल खड़े हुए थे, अंकल को कहा मैं ऐसे आपकी तरफ छोड़ रही हूँ कैच पकड़ना, मैं कहा तुम ये कर लो मैं फोटो लेता हूँ, ठीक है सो मैं फोटो ले रहा था, आंटी ने बोली मैं ऐसे लूंगी आपकी तरफ रॉकेट आएगा आप कैच पकड़ना अंकल को बोली, अंकल बोले ओके ओके ठीक है, आंटी ने रॉकेट छोड़ी, रॉकेट आया अंकल की तरफ, अंकल के यहां से होते हुए अंकल के घर में गया, घर में आग लग गई, क्या मैं लायबल रहूंगा? नहीं, क्योंकि यहां पे क्या है प्लेंटिफ ऑन डिफॉल्ट। कहने का मतलब है कुछ केसेस में आपके यहां से चीज एस्केप होगी तो भी आप लायबल नहीं रहोगे, तो वो कौन से केस है जल्दी से बता दो। पहला डैमेज ड्यू टू नेचुरल यूज ऑफ लैंड, एक्ट ऑफ गॉड, प्लेंटिफ ऑन डिफॉल्ट, कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी और एक्ट डन अंडर अथॉरिटी ऑफ स्टैच्यू। फिर से बोलो कौन कौन लोग लायबल नहीं रहेंगे? डैमेज ड्यू टू नेचुरल यूज ऑफ लैंड, एक्ट ऑफ गॉड, प्लेंटिफ ऑन डिफॉल्ट, कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ, एक्ट डन अंडर अथॉरिटी ऑफ स्टैच्यू और एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। फिर से बोलो कौन कौन लायबल नहीं होंगे बेटा? डैमेज ड्यू टू नेचुरल यूज ऑफ लैंड, एक्ट ऑफ गॉड, प्लेंटिफ ऑन डिफॉल्ट, कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ, एक्ट डन अंडर अथॉरिटी ऑफ स्टैच्यू और एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। फिर से बोल दो एक बार यार। Damage due to natural use of land, act of God, plaintiff on default, consent of plaintiff, act done under authority of statute. बोलो हाँ या ना? सर एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी एंड प्लेंटिफ ऑन डिफॉल्ट सेम है? नहीं बिल्कुल अलग है, जो केस कर रहा है उसकी गलती है तो प्लेंटिफ ऑन डिफॉल्ट है, किसी थर्ड पार्टी की गलती है तो एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी है, दोनों अलग है। अरे बोलो हाँ या ना, जल्दी से बोलो फटाक से, टाइम नहीं है, जल्दी बोलो फटाक से, कौन से केस है जिसमें आप लायबल नहीं रहोगे? What are the exceptions of strict liability? याद करके तो अभी बोलो। Damage due to natural use of land, Act of God, Act of Third Party, Act under the Authority of Statute, Consent of Plaintiff, Plaintiff on Default. याद रहेगा? कितने points हैं? 6. फिर से बोलो कौन कौन से है? लास्ट बार बोल दो जल्दी से बोलो. Damage due to natural use of land, Act of God, Plaintiff on Default, Consent of Plaintiff, Act under the Authority of Statute or Act of Third Party. Easy? चलो wonderful. Next है Absolute Liability. Absolute Liability का केस हमारे देश में कौन सा है बताइए? एब्सोल्यूट लायबिलिटी रेलेंड वर्सेस फ्लेचर तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का था, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बोली कौन सा केस है? एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बोली कौन सा केस था? एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अरे बोलो हाँ या ना, इसमें गैस लीक हुई थी बहुत भयंकर, ओलियम गैस, ओ एल ई यू एम, ओलियम गैस लीक हुई थी,
श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री थी, उसमें एक ओलियम गैस लीक हुई थी 4 और 6 दिसंबर को 1985। और आपको पता है भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी? 3 दिसंबर की रात को। 3 दिसंबर वैसे तो सबसे पावन दिन है पूरी सृष्टि का, बट फिर भी 3 दिसंबर की रात को 1984। और जस्ट उसके एक साल बाद 4 और 6 दिसंबर को इस दिन हुआ थी भोपाल गैस ट्रेजेडी, ठीक है। और इस दिन हुआ था ये एमसी वाला, एमसी मतलब एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला। अरे बोलो हाँ या ना, श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर। यहां पे जो गैस लीक हुई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी में वो थी मिथाइल आइसोनाइट, आइसोनाइट आई बिलीव, यस है ना। और यहां पे जो गैस लीक हुई थी वो थी ओलियम गैस। अब भोपाल गैस ट्रेजेडी में तो लॉ बना दिया गया उसका एक, जब वो प्रॉपर उसको सॉल्व करने के लिए मामले को, भोपाल गैस ट्रेजेडी जब हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला यार तुम्हारी तो मां की आंख, इधर आओ सालो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला यार ये क्या तरीका है, तुम लोग डेंजरस चीज में डील करो, ठीक है, वो इधर उधर चली जाए साला तुम बच जाओगे क्या बोल के? एक्ट ऑफ गॉड था, कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ था, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी था, एक्ट अंडर अथॉरिटी ऑफ स्टैच्यू था, नेचुरल यूज ऑफ लैंड था, है ना, प्लेंटिफ ऑन डिफॉल्ट था, बच जाओगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुनो 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 सुनो, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुम हैजार्डियस चीज में डील करते हो, डेंजरस चीज में डील करते हो, ऐसी चीज में डील करते हो जो थोड़े रिस्की ऑपरेशंस हैं, और वहां पे अगर कोई चीज एस्केप होती है भाई साहब आप लोग लायबल हो एब्सोल्युटली। व्हाट डू यू मीन बाय आप लायबल हो एब्सोल्युटली? इट कम्स विद नो एक्सेप्शंस, कोई ऊ बट टुट टुट नुक टुक कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ आपके पास एक्सक्यूज नहीं रहेगा, यू आर लायबल एब्सोल्युटली नो मैटर व्हाट अगर आप डेंजरस चीज में डील करते हैं। सो इफ यू आर डीलिंग इन एनी डेंजरस सब्सटेंस, सुप्रीम कोर्ट सेड देन यू विल बी लायबल एब्सोल्युटली एग्जैक्टली। देखिए जजमेंट क्या आई थी, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ रहे हैं हम लोग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, वी आर ऑफ व्यू दैट, हमारा ये मानना है इंडस्ट्री विच हैज एंगेज्ड इन हैजार्डियस और इनहेरेंट डेंजरस इंडस्ट्री, अगर कोई डेंजरस इंडस्ट्री है विच पजेस पोटेंशियल थ्रेट टू द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अ पर्सन वर्किंग इन फैक्ट्री एंड रिसाइडिंग सराउंडिंग एरियाज, अगर कोई ऐसे चीज में काम कर रही है जिससे लोगों को बहुत खतरा है जो काम कर रहे हैं उनको भी आसपास वाले एरिया को भी, ओज मतलब उनकी लायबिलिटी है एब्सोल्यूट एंड नॉन डेलीगेटेबल, मतलब उनकी लायबिलिटी एब्सोल्यूट है, वो किसी को सौंप नहीं सकते वो लायबिलिटी, है ना जी। सो अगर आप डेंजरस हैजार्डियस चीज में डील कर रहे हो तो आप ही की लायबिलिटी है क्योंकि आप ही उसे में एंगेज थे और आपकी जिम्मेदारी आप हाईएस्ट सेफ्टी ऑफ स्टैंडर्ड्स रखो, हाईएस्ट सेफ्टी ऑफ स्टैंडर्ड्स रखो, और फिर भी अगर कोई हार्म हो जाता है देन सच ऑर्गेनाइजेशन विल बी लायबल एब्सोल्युटली। अरे भैया कहने का मतलब ये था सुप्रीम कोर्ट का एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कि इफ यू आर डीलिंग इन एन हैजार्डस सब्सटेंस, डेंजरस सब्सटेंस एंड इफ एनी एक्सीडेंट हैपेंस देन सच एंटरप्राइज विल बी लायबल एब्सोल्युटली। दे कांट एक्सक्यूज देम विद सर्टेन एक्सेप्शंस, वो अपने आप को एक्सक्यूज नहीं कर सकते विद सर्टेन एक्सेप्शंस, कोई भी इसके एक्सेप्शंस नहीं है, इट कम्स विद नो एक्सेप्शंस, बोले इट कम्स विद नो एक्सेप्शन। केस किसका था? एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कौन सी गैस लीक हुई थी? ओलियम गैस। कंपनी कौन सी थी एमसी मेहता की? श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री। बोली कौन सी थी बेटा? श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री। लवली पीपल आते हैं विकेरियस लायबिलिटी में, बोलो किसमें आते हैं? विकेरियस लायबिलिटी, बोलो किसमें आते हैं बच्चों? हाँ विकेरियस लायबिलिटी में आते हैं। आ जाइए जी जल्दी से फटाक से इसके कुछ देखो मैं जितने भी करवा रहा हूँ प्लीज अच्छे से करो, इससे लॉ ऑफ टॉट से केस लॉज आते हैं, लॉ ऑफ टॉट से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देखने मिलते, लॉ ऑफ टॉट से क्या आते हैं? केस लॉज। इसलिए आई एम टेलिंग यू मेनी एग्जाम्पल्स मेनी केस लॉज, तो इससे क्या आने की संभावनाएं रहती है? ज्यादा केस लॉज। और जितने भी खासकर न्यू सिलेबस वाले हैं आपके मॉड्यूल में तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स और एड ऑन हुए हैं, वो मैं 6:30 वाले सेशन में करवाऊंगा, जो एक्स्ट्रा के केस लॉज और सेशन हम लोग करते हैं डेली के हमारे 6:30 वाले सेशन में। सो फिर भी मोस्टली मैं यहाँ पे कवर करते हुए चल रहा हूँ, दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट है विकेरियस लायबिलिटी। जनरल रूल ये कहता है जिसने टॉर्ट किया क्या वो लायबल होगा? यस दिस इज अ जनरल रूल कि टॉर्टफीजर इज लायबल फॉर हिज टॉर्ट डन, बट अंडर सर्टेन केसेस, अंडर सर्टेन केसेस हु विल बी लायबल? अदर पर्सन विल बी विकेरियसली लायबल, इट इज कॉल्ड एज अ करे कोई और
भरे कोई और, गलती किसी और की, लायबल कोई और. सो व्हाट आर दोस केसेस, कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें ये होता है, आइए लेट्स चेक इट आउट. सबसे पहला है प्रिंसिपल एंड एजेंट, ये मैक्सिम को याद रख लेना. मैक्सिम है कोई फैसेट पर एलियम फैसेट पर से, बोलो कौन सा है, कोई फैसेट पर एलियम फैसेट पर से, फिर से बोलो कोई फैसेट पर एलियम फैसेट पर से, फिर से बोलो कोई फैसेट पर एलियम फैसेट पर से, वंस मोर कोई फैसेट पर एलियम फैसेट पर से, वंस मोर फिर से बोलिए कोई फैसेट पर एलियम फैसेट पर से, वंस मोर फिर से बोलिए कोई फैसेट पर एलियम फैसेट पर से, फिर से बोलो यार कोई फैसेट पर एलियम फैसेट पर से, एक बार फिर से बोल दो कोई फैसेट पर एलियम फैसेट पर से. क्या मतलब है इसका कोई जानता है, वन हु एक्ट थ्रू अदर इज एक्टिंग हिमसेल्फ, बोलो इसका क्या मतलब है, वन हु एक्ट थ्रू अदर इज एक्टिंग हिमसेल्फ, क्या मतलब है इसका, अगर आप किसी और से काम कराते हो तो माना जाएगा आप खुद काम कर रहे हो, अगर आप किसी और से काम कराते हो तो क्या माना जाएगा आप खुद काम कर रहे हो, वन हु एक्ट थ्रू अदर इज एक्टिंग हिमसेल्फ, अगेन टेल मी व्हाट, वन हु एक्ट थ्रू अदर इज एक्टिंग हिमसेल्फ. ये केस है तो ऑब्वियसली एजेंट की गलती प्रिंसिपल है, मतलब व्हाट डू मीन बाय एजेंट, हु एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज अ एजेंट, वन हु एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज अ एजेंट. जब आप किसी की बिहाफ में काम करते हो तो आप कौन हो, अरे कौन हो आप, एजेंट हो ना. अब एजेंट की गलती है, लायबल कौन होगा, प्रिंसिपल. बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, केस था लॉयड वर्सेस ग्रेस मेथन कंपनी, दो बार आ चुका एग्जाम्स में केस, लॉयड वर्सेस ग्रेस मेथन कंपनी का केस था. एक सॉलिसिटर्स की फर्म थी, ठीक है, कुछ लीगल एडवाइजर्स की फर्म थी, उनका एक क्लर्क था जो बिजनेस के दौरान फ्रॉड करता है किसी लेडी के साथ में, और उसको फ्रॉडुलेंटली बोलता है कि डॉक्यूमेंट साइन कर लो, जिससे प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर हो रही थी, मतलब लेडी की प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर हो रही थी, मतलब एक एजेंट है फर्म का, वो एक लेडी को कहीं साइन करवा देता है और लेडी की प्रॉपर्टी खुद के नाम पर ट्रांसफर करवा लेता है. ऐसा बोला गया, ऐसा बोला गया कि ठीक है, ही डन सो विदाउट द नॉलेज ऑफ हिज प्रिंसिपल. ऐसा माना गया कि उसने ये कैसे किया है, इसने प्रिंसिपल को बिना बताए किया है, क्या फिर भी प्रिंसिपल को लायबल माना गया, यस. क्यों प्रिंसिपल को लायबल माना गया, बिकॉज वो बिजनेस के दौरान किया गया था, काय में किया गया था बेटा, बिजनेस के दौरान किया गया था, एंड तो भी किसको लायबल माना गया बच्चों, अरे बोलो किसको लायबल माना गया बच्चों, हाँ फिर भी प्रिंसिपल को लायबल माना गया, भले ही प्रिंसिपल को उसके बारे में पता भी नहीं था, क्योंकि माना गया बिजनेस के दौरान हुआ है. सो मतलब मैटर इसका ये था कि एजेंट की गलती, प्रिंसिपल लायबल. कौन सा रूल अप्लाई हुआ, कौन सी मैक्सिम अप्लाई हुई, कोई फैसेट पर एलियम फैसेट पर से, क्या मतलब है इसका, वन हु एक्ट थ्रू अदर इज एक्टिंग हिमसेल्फ. सो ये केस एग्जाम में सेम ऐसा आ चुका है, केस कौन सा है बोलो, लॉयड वर्सेस ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी, फिर से बोलो केस कौन सा, लॉयड वर्सेस ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी, वंस मोर केस कौन सा, फिर से बोलो लॉयड वर्सेस ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी. व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, समझ में आया कि एक बंदा सॉलिसिटर्स की फर्म थी, उनका एक मैनेजिंग क्लर्क था, उसने लेडी के साथ झूठे डॉक्यूमेंट साइन करवा दिए, अपने नाम प्रॉपर्टी करा ली, प्रिंसिपल्स को इसके बारे में पता भी नहीं था बेचारों को, फिर भी वो लायबल हुए, मतलब एजेंट की गलती प्रिंसिपल लायबल. ये भी आ चुका एग्जाम में, एक पार्टनर की गलती सारे पार्टनर लायबल, अगर एक पार्टनर की गलती है सारे पार्टनर लायबल है. ये केस था हैमलिन वर्सेस हस्टन का, बोलो कहां का केस था, हैमलिन वर्सेस हस्टन, ये भी एग्जाम में आ चुका है, बोलो कहां का केस था बच्चों, हैमलिन वर्सेस हस्टन. सो द केस था हैमलिन वर्सेस हस्टन, फिर से बोली कहां का केस था बच्चों, हैमलिन वर्सेस हस्टन का केस था. एक पार्टनर ने रिश्वत खिलाया दूसरे कॉम्पिटिटर के सीक्रेट्स जानने के लिए, तो डिसाइड हुआ एक लायबल होंगे कि दोनों लायबल होंगे, डिसाइड हुआ दोनों लायबल होंगे. कहां का केस था, हैमलिन वर्सेस हस्टन, फिर से बोली कहां का केस था दोस्तों, हैमलिन वर्सेस हस्टन. रिश्वत एक ने खिलाया था, लायबल कौन हुए, दोनों. ठीक है, रिश्वत किसने खिलाया था, एक ने, बट लायबल कौन हुए, दोनों. कहां का केस था ये बताइए, हैमलिन वर्सेस हस्टन, अगेन टेल मी कहां का केस था, स्वीडार्ट्स, हैमलिन वर्सेस हस्टन. इज दैट इजी पीपल, लवली, ऑसम, बढ़िया. नेक्स्ट स्टेप, सर्वेंट की गलती, आवाज नहीं, सर्वेंट की गलती, अरे बोल भी दो, सर्वेंट की गलती, मास्टर लेवल. इसमें एक और केस आ जाता है, एक और मैक्सिम आ जाती है, रिस्पोंडेंट सुपीरियर, क्या मतलब है इसका, लेट द प्रिंसिपल बी लायबल. बोलो रिस्पोंडेंट सुपीरियर का क्या मतलब है, अरे बोलो रिस्पोंडेंट सुपीरियर का क्या मतलब है,
लेट द प्रिंसिपल बी लायबल. दो मैक्सिम याद रखनी, एक तो कोई फैसेट पर एलिम फैसेट पर से, इसका मतलब वन हु एक्ट थ्रू अदर इज एक्टिंग हिमसेल्फ, और एक दूसरी रिस्पॉन्डेंट सुपीरियर. क्या मतलब इसका? लेट द प्रिंसिपल बी लायबल. बोलो क्या? लेट द प्रिंसिपल बी लायबल. ये दोनों मैक्सिम याद रखना, विकेरियस लायबिलिटी है, दोनों मैक्सिम लिख के ही आना. एक तो कोई फैसेट पर एलिम फैसेट पर से, इसका मतलब क्या है? One who act through other is acting himself, और एक respondent superior. क्या मतलब है इसका? Let the principal be liable. Let the principal be liable. Lovely sweethearts, बहुत बढ़िया everyone. So now law of thoughts जो है, बहुत ज्यादा मैं learning पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ. I hope ये घर पे आप कर लोगे. Easy topic है, ठीक है. मैं चाहता हूँ जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि easy है. So एक easy topic भी हो जाएगा हमारा जल्दी से, फटाक से, ठीक है. Okay, moving on. So यस, इसका एक केस था. अच्छा, सर्वेंट की गलती मास्टर लायबल. इन अ सेम वे एम्प्लॉय की गलती एम्प्लॉयर लायबल. सर्वेंट की गलती मास्टर लायबल, है ना. एम्प्लॉय की गलती एम्प्लॉयर लायबल. यस, देयर वाज अ केस ऑफ, ये भी आ चुका है एग्जाम में. सारे केस लॉज एग्जाम में आ चुके हैं गाइस, सारे केस लॉ. लॉ ऑफ टॉट से केस लॉ ही पूछे जाते हैं मोस्टली. हाँ, केस था सेंचुरी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस नॉर्दर्न आयरलैंड रोड ट्रांसपोर्ट बोर्ड. सर इसके नाम याद रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए. जितने मैं नाम ले रहा हूं वो तो पूरे ही रखने चाहिए, ठीक है. सेंचुरी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस नॉर्दर्न आयरलैंड रोड ट्रांसपोर्ट बोर्ड का बोर्ड था. डायरेक्टर था, उसके पास एक पेट्रोल लॉरी थी. लॉरी मतलब ट्रक. So, एक डायरेक्टर था, उसकी बहन की उसके पास पेट्रोल लॉरी थी. क्या थी? पेट्रोल लॉरी थी. अब वो पेट्रोल को ट्रांसफर कर रहा था अंडरग्राउंड. क्या ट्रांसफर कर रहा था? अंडरग्राउंड पेट्रोल डाल रहा था अंडरग्राउंड. सुट्टे की तलब लगी उसको, सिगरेट की तलब लगी. उसने माचिस जलाया और माचिस की तीली फेंक दिया चमन आदमी ने फ्लोर पे, गधा, ठीक है. मतलब एक्सपोर्ट हो गया. डिसाइड ही हुआ कि कौन लायबल होगा, डायरेक्टर की कंपनी. मतलब डायरेक्टर पेट्रोल ट्रांसफर करा रहा था अंडरग्राउंड, तीली ब्लास्ट. कौन लायबल होगा? डायरेक्टर की कंपनी. तो ये डिसाइड हुआ कि हु विल बी लायबल? कंपनी विल बी लायबल. क्या डिसाइड हुआ बच्चों? कौन लायबल होगा? कंपनी लायबल होगी. बोली क्या डिसाइड हुआ? कौन लायबल होगा? कंपनी लायबल होगी. ये डिसाइड हुआ कि भाई साहब कंपनी लायबल होगी. याद रखना, क्या डिसाइड हुआ? कौन लायबल होगी? आवाज ही नहीं आई. कौन लायबल होगी? कंपनी लायबल होगी. एम्प्लॉयर्स को लायबल माना गया, क्योंकि वो जो काम हुआ था वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ था, बिजनेस के दौरान हुआ था. दैट इज वाई उसको लायबल ठहराया गया. बोलो हाँ या ना? इजी है ना? चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि देखो, आपने ये देख लिया, एजेंट की गलती प्रिंसिपल लायबल, पार्टनर की गलती सारे पार्टनर लायबल, सर्वेंट की गलती मास्टर लायबल. लेकिन अगर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की गलती है तो लायबल कौन? व्हाट यू मीन बाय इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर? व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर? कौन बताएगा आप में से? व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर? क्या होता है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का मतलब? बताओ, कौन बताएगा आप में से? व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर? हु विल टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर? जो जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर. जैसे जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, प्लम्बर, ये लोग इवेंट बेस पे आएंगे. इवेंट बेस मतलब काम हुआ आएंगे, काम करके चले जाएंगे. क्या हम इनको सैलरी देते हैं? नहीं. इन क्या उन पे हमारा कंट्रोल है? नहीं. तो वो है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर. तो क्या इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की गलती होगी तो कौन लायबल होगा? नाउ दिस इज द क्वेश्चन, कि अगर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की गलती होगी तो कौन लायबल होगा? तो आंसर इज इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की गलती के लिए वो स्वयं लायबल होंगे. स्वयं मींस वो खुद लायबल होंगे. इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की गलती के लिए वो स्वयं लायबल होंगे. कैसे लायबल होंगे बच्चा? बोलो स्वयं. दे आर लायबल ऑन देयर ओन, है ना. याद रखना, दे आर लायबल ऑन देयर ओन. जनरली एम्प्लॉयर लायबल होता है, लेकिन वो सर्वेंट के लिए होता है. किसके लिए होता है? सर्वेंट. अरे बोलो किसके लिए होता है? सर्वेंट. बट एम्प्लॉयर
इज नॉट लायबल फॉर द टॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर. इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर के लिए वो लायबल नहीं होगा. अगर किसी इलेक्ट्रीशियन की गलती है तो वो खुद लायबल होगा. कारपेंटर की गलती है वो खुद लायबल होगा. प्लम्बर की गलती है वो खुद लायबल होगा. लेकिन जी हां, तीन केस हैं. कितने केस हैं? तीन केस हैं. कितने केस हैं बच्चों? तीन केस हैं. बोलो कितने केस हैं? तीन. तीन केस हैं जिसमें इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर की गलती के लिए भी लायबल कौन होगे? आप. सबसे पहला तो पढ़ने लायक है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. ये तो मैं बता भी चुका हूं. कौन सा केस? रेलैंड वर्सेस फ्लेचर. मेरे को बताओ, रेलैंड वर्सेस फ्लेचर में जो पानी की टंकी बनी थी, रिजर्वर बना था, वो किसने बनाया था? सिविल इंजीनियर ने. सिविल इंजीनियर को अलॉट किया था ना काम. और सिविल इंजीनियर कौन है? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर. लेकिन लायबल कौन हुआ? मिल ओनर. तो अगर भले ही आपके इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर की गलती है, लेकिन अगर आपके यहां से कोई चीज एस्केप हो रही है, दूसरों को नुकसान पहुंच रहा है, देन यू आर लायबल. भैया स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर की भी गलती हो तो भी आप लायबल हो. दूसरा केस है जब आप ही ने उसे टॉट करने कहा. मेरे घर प्लम्बर आया, मैंने उसे बोल दिया मेरी क्रश का पानी, मेरी क्रश रहती है घर के बाजू में, उसके घर का पानी रोक दे. वो मेरे घर आए फिर पानी यूज करने. क्या ये क्या है? किसने, किसके कारण ऐसा हुआ? मैंने कहा ना उसे, तो लायबल कौन? मैं. अगर मेरे कहने पे इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर टॉट करता है, मैं लायबल. ठीक है, मेरे कहने पे इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर टॉट करता है, कौन लायबल? मैं. दूसरा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रिक्ट लायबिलिटी? बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रिक्ट लायबिलिटी? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रिक्ट लायबिलिटी? कि अगर से आपकी जमीन से कोई चीज एस्केप हो रही है, दूसरों को नुकसान पहुंच रहा है, भले ही इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर की गलती है, लायबल आप स्वयं रहोगे. लायबल आप स्वयं रहोगे. अरे बोलो हाँ या ना. नेक्स्ट है नेग्लिजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर. बोलो क्या बेटा? नेग्लिजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर. इसमें जनरली को लेटरल नेग्लिजेंस मानते हैं. क्या मानते हैं? को लेटरल नेग्लिजेंस. इसका मैं आपको बताता हूं, को लेटरल नेग्लिजेंस का एग्जाम्पल. एक घर बन रहा था बहुत हाइट पे, वहां पे खिड़की थी, खिड़की में कुछ हथौड़ा रखा हुआ था. अब काम चल रहा है, दोनों को पता है, जो काम करवा रहा है एम्प्लॉयर उसको भी और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर को भी, कि हथौड़ा गिर सकता है. दोनों ही बेपरवाह, नॉनसेंस. गिरा तो गिरा. अब हुआ कि एकदम से हवा चली, हथौड़ा गिरा और नीचे से आशीष सर जा रहे थे और आशीष सर को हथौड़ा लग गया. क्या हुआ आशीष सर को? पट से हेडशॉट. क्वेश्चन ये हुआ कि लायबल कौन होगा? क्या वो सिर्फ कारपेंटर लायबल होगा कि दोनों ही लायबल हो सकते हैं? आंसर यहां पे दोनों लायबल हो सकते हैं. यहां पे एम्प्लॉयर की भी ड्यूटी थी, वो चाहे तो हथौड़ा साइड कर सकता था. इसे कहते हैं कोलेटरल नेग्लिजेंस. दोनों की गलती थी. बोलो किसकी गलती थी? दोनों की. सो इट्स एन एग्जांपल ऑफ कोलेटरल नेग्लिजेंस. ए ने बी को एम्प्लॉय किया था विंडो ठीक करने के लिए एंड हथौड़ा गिर गया, कोई नीचे रस्ते से जा रहा था उसको लग गया. तो लायबल कौन? दोनों ही लायबल हो सकते हैं, याद रखना. एम्प्लॉयर तो मेनली लायबल कहलाया जाएगा. क्यों 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 क्यों? क्योंकि यहां पे एम्प्लॉयर को पता था वो नेग्लिजेंट है और एम्प्लॉयर ने कुछ नहीं किया, तो इसे कहते हैं कोलेटरल नेग्लिजेंस. हाँ, एक केस में एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा. कब एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा? जब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर नेग्लिजेंट है बट ये बात आपको पता नहीं है, तो वही लायबल होगा स्वयं. इसका भी एग्जाम्पल देता हूं मैं. इसका केस था फिलिप्स वर्सेस ब्रिटानिया हाइजीनिक लॉन्ड्री कंपनी. मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है यही केस आपके एग्जाम में, खासकर ओल्ड वालों को तो ये बहुत ही चांसेस है कि आ सकता है. सर ओल्ड और न्यू का पेपर अलग होगा, बट ऑब्वियसली है ना जी, ऐसे डाउट मन में लाना भी मत, नहीं तो सिलेबस अलग है तो पेपर कैसे एक होगा, है ना जी. आ जाइए, फिलिप वर्सेस ब्रिटानिया हाइजीनिक लॉन्ड्री कंपनी. केस कौन सा था? अरे बोलो केस कौन सा था? फिलिप वर्सेस ब्रिटानिया हाइजीनिक लाउंड्री कंपनी. व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन दिस केस? एक बंदे की लॉरी थी. क्या थी? लॉरी. व्हाट डू यू मीन बाय लॉरी? ट्रक. ठीक है, उसने ट्रक बनवाया किसी मैकेनिक से. अब वो जो मैकेनिक था उसने रिपेयर ढंग से किया नहीं. ये बंदा ट्रक लेके निकला, लॉरी लेके निकला और किसी थर्ड पार्टी को ठोक दिया.
तो क्वेश्चन ये था लायबल कौन होगा, वो लॉरी वाला कि मैकेनिक, तो डिसाइड हुआ मैकेनिक लायबल होगा बिकॉज यहां पे लॉरी वाले की कोई गलती नहीं है, यहां पे मैकेनिक नेग्लिजेंट था, बट ये आपको थोड़ी पता है ना उसने गाड़ी ठीक से बनाया कि नहीं बनाया, उसने तो बोला ठीक बनी हमने मान लिया भाई, अब हम थोड़ी उसमें एक्सपर्ट है कि हमें पता हो ठीक से बनी है कि नहीं बनी है, उसने बोला सही बनी है हमने मान लिया, गाड़ी लेके निकले किसी को ठोक दिया, तो लायबल मैकेनिक ही होगा बिकॉज उसका नेग्लिजेंट रिपेयर था। सो इसका सारांश क्या निकलता है, सारांश ये निकलता है कि व्हाट इज द कंक्लूजन, कंक्लूजन ये निकलता है कि इफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर इज नेग्लिजेंट एंड विच इज नोन बाय एम्प्लॉयर, सो एम्प्लॉयर इज लायबल, बट इफ इट इज नॉट नोन बाय एम्प्लॉयर दो देन ओनली इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर विल बी पर्सनली लायबल। सो इन थ्री केसेस जनरली फॉर टॉट बाय इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयर इज लायबल, व्हाट आर दोस थ्री केसेस, एम्प्लॉयर ऑथराइजेस हिम टू डू सो, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, negligence of independent contractor, what are those three cases जब independent contractor की गलती के लिए employer liable होगा, बोलो employer authorizes him to do so, strict liability, negligence of independent contractor, फिर से बोलो जल्दी से, employer authorizes him to do so, strict liability, negligence of independent contractor, अरे बोलो हाँ या ना, फिर से बोलो एक बार, पहला employer authorizes him to do so, strict liability, negligence of independent contractor, understood by every one of you online as well as offline, I believe, yeah. चलिए moving on, next आते हैं थोड़े से अच्छे वाले part पे, खत्म होने आ गया सिर्फ vicarious liability of state, then legal remedy, हाँ जो new syllabus वाले हैं आपका tort में, जिस दिन tort का session होगा उस दिन जरूर attend करना, new syllabus वाले बहुत सारे एग्जाम्पल्स और केस लॉस और एक्स्ट्रा के करवाने हैं, सो वो मिस मत करना, आज अगर सेशन हुआ तो आज हम लिमिटेशन एक करेंगे, बट ऐसा हो सकता है आज की सेशन ना हो, चांसेस हैं, बट ऐसा भी हो सकता है 50-50 है, सो आई विल टेल यू, कल तो 100% सेशन होगा 6:30 वाला, परसों नहीं होगा बिकॉज आई एम ट्रेवलिंग, परसों मैं ट्रेवल कर रहा हूं सो परसों होगा नहीं। चलिए ओके हाँ अब बताओ जल्दी से खत्म ही करते हैं ना फटाक से इसको, चलो 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 भाई चलो यार, लॉफ टॉट ने ज्यादा टाइम ले लिया, हाँ जी नाउ टेल मी, गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज की गलती है तो क्या गवर्नमेंट लायबल होगी, जल्दी से बताओ फटाक से टाइम नहीं है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज की गलती के लिए क्या गवर्नमेंट लायबल होगी, तो पहले बात कर लेते हैं इंग्लैंड की, इंग्लैंड में एक लॉ पास हुआ था जिसका नाम था, जिसका नाम था क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट, बोली क्या नाम था बच्चा, क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट, सो इंग्लैंड में एक लॉ पास हुआ था, लॉ का नाम क्या था, क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट, क्या डिसाइड हुआ था इस लॉ में, क्या डिसाइड हुआ था इस लॉ में, एक लॉ पास हुआ था जिसका नाम था क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट, क्या डिसाइड हुआ था इस लॉ में जल्दी से बताओ, अरे बता भी तो क्या डिसाइड हुआ था इस लॉ में, यस यू आर राइट, इसमें डिसाइड हुआ था कि इस लॉ में डिसाइड हुआ था कि भैया अगर गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज से गलती होती है सो कौन लायबल होगी, गवर्नमेंट लायबल होगी, बोलो कौन लायबल होगी, गवर्नमेंट लायबल होगी, अरे बोलो यस और नो, कहां पे लॉ पास हुआ था ये, इंग्लैंड, बोलो हाँ यार, तो इंग्लैंड में क्या पोजीशन है, सॉरी ये है इंग्लैंड वाली, इंग्लैंड में क्या पोजीशन है, क्राउन इज लायबल फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय सर्वेंट जस्ट लाइक अ प्राइवेट इंडिविजुअल, थस इन इंग्लैंड क्राउन इज नॉट नाउ विकेरियसली लायबल फॉर टॉर्ट ऑफ इट्स सर्वेंट, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की गलती के लिए कौन लायबल होगी बच्चों, गवर्नमेंट इंग्लैंड में, इंडिया में, इंडिया में डिपेंड करता है कि सोवरेन फंक्शन है कि नॉन सोवरेन फंक्शन है, इंडिया में किस पे डिपेंड करता है बच्चों, सोवरेन फंक्शन है कि नॉन सोवरेन फंक्शन है, बोलो इंडिया में किस पे डिपेंड करता है, सोवरेन फंक्शन है कि नॉन सोवरेन फंक्शन है, तो दो फंक्शन होते हैं कौन से, सोवरेन और सोवरेन फंक्शन, मतलब जो सिर्फ गवर्नमेंट के लोग कर सकते हैं हम लोग नहीं कर सकते, जैसे पुलिस के काम हो गए, जैसे म्युनिसिपैलिटी के काम हो गए, जैसे पासपोर्ट वाले काम हो गए, जैसे मिनिस्ट्री के काम हो गए, जैसे गवर्नमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट के काम हो गए, ये सब काम क्या हम कर सकते हैं, नहीं, तो इसमें अगर गवर्नमेंट के एम्प्लॉय से गलती होती है तो गवर्नमेंट इज नॉट लायबल, गवर्नमेंट इज नॉट लायबल, गवर्नमेंट ने कहा सोवरेन फंक्शंस में हम लायबल नहीं रहेंगे, हम अपने आप को इम्यूनिटी देते हैं, क्या देते हैं अपने आप को इम्यूनिटी, वहीं अगर नॉन सोवरेन फंक्शन है जैसे कि ड्राइविंग, ये हम भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है, टीचिंग, कुकिंग है ना,
इलेक्ट्रिसिटी का काम, ये सारे काम, बहुत सारे ऐसे काम है जो हम भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो किसमें आएंगे? नॉन सॉवरेन। क्या उसमें गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज लायबल होंगे? यस। एक गवर्नमेंट के एम्प्लॉई ने किसी को ठोक दिया, गवर्नमेंट लायबल होगी? यस। वहां पे गवर्नमेंट लायबल है विकेरियसली। गवर्नमेंट के कुक ने गंदा खाना बनाया, बहुत लोग बीमार हो गए, वहां पे गवर्नमेंट लायबल होगी? यस। गवर्नमेंट का कोई प्लंबर था, उसने सही से काम नहीं किया, अब गवर्नमेंट लायबल होगी? यस। नॉन सोवरेन फंक्शंस में गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की गलती के लिए गवर्नमेंट लायबल होगी, सोवरेन फंक्शंस में गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की गलती के लिए गवर्नमेंट लायबल नहीं होगी। अरे बोलो हाँ या ना। अरे बोल दो ना, जरा दिल में है जो छिपा मैं किसी से कहूंगा नहीं। बोलो, कोई डाउट? इजी है। चलो इसके कुछ केस लॉज हैं, फटाक से कर लेते हैं, फटाक से कर लेते हैं, फटाक से कर लेते हैं। मुझे नींद आती नहीं है अकेले। हाँ जी आ जाओ। ख्वाबों में आया करो। चलिए आ जाओ। ओके, अब ध्यान देना, ध्यान देना बेटा, आ जाओ जल्दी से, फटाक से। जो न्यू सिलेबस वाले हैं, कुछ बातें मैं आपको अलग से करवाऊंगा। हाँ, कब? 6:30 वाले सेशन में, प्लीज मिस मत करना। मैं ओल्ड वालों को नहीं, इसलिए अभी नहीं लेता हूं उसको, वो अलग से उसमें ही करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, चलो अब आ जाओ जल्दी से, फटाक से आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। दो केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती। बोली कौन सा केस बेटा? स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती। क्या हुआ था इस केस में? स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती में क्या हुआ था? कौन बताएगा आप में से क्या हुआ था? क्या हुआ था इस केस में? ड्राइवर ने, ड्राइवर था जो कलेक्टर ऑफ उदयपुर के लिए, एंड उसने किसी व्यक्ति को फुटपाथ पे ठोक दिया, सलमान भाई। ठीक है, सो क्या कर दिया? फुटपाथ पे किसी को ठोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला गवर्नमेंट लायबल होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये नॉन सोवरेन फंक्शन है। सेम एक केस था कस्तूरीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें क्या हुआ था? कस्तूरीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में एक व्यक्ति जाता है एंड गोल्ड बेचने के लिए, एंड होता क्या है मेरठ में आई बिलीव, या उस कि गोल्ड और सिल्वर को पुलिस रख लेती है ना, और क्या करती है, वापसी में सिल्वर दे देती है और गोल्ड पाकिस्तान भेज देती है पुलिस, गलत काम करती है। तो डिसाइड ये हुआ कि गवर्नमेंट उसके लिए लायबल नहीं होगी, क्योंकि पुलिस का काम किसमें आता है? सोवरेन फंक्शन। पुलिस का काम किसमें आता है? सोवरेन फंक्शन में। क्योंकि पुलिस का काम सोवरेन फंक्शन में आता है, तो डिसाइड हुआ क्या, क्या डिसाइड हुआ कि गवर्नमेंट लायबल नहीं होगी, और माना गया कि गवर्नमेंट लायबल नहीं होगी। ये डिसीजन थोड़ा सही नहीं था, बट यस जो भी दिया गया दिया गया। तो एक व्यक्ति रहता है, वो बेचारा जाता है ना, तो पुलिस वाले उसका गोल्ड सिल्वर ले लेते हैं, उसके सिल्वर तो वापस लौटा देते हैं, बट गोल्ड को वो भेज देते हैं इधर उधर, उसके मिसप्लेस कर देते हैं। तो डिसाइड ये हुआ कि पुलिस मतलब कि गवर्नमेंट लायबल होगी कि नहीं होगी? गवर्नमेंट लायबल नहीं होगी, है ना जी। कौन लायबल नहीं होगी? गवर्नमेंट लायबल नहीं होगी, ये डिसाइड हुआ। सो बेसिकली दिस वॉज द केस, याद रखना ये दो केस को। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है, गाड़ी वाला, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती, कि अगर आपने किसी को ठोक दिया सो उसके लिए क्या गवर्नमेंट लायबल होगी? आंसर इज यस। उसके लिए गवर्नमेंट लायबल होगी? आंसर इज यस। आंसर गवर्नमेंट लायबल होगी? आंसर इज यस 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 यस। वेरी गुड पीपल, प्राउड ऑफ यू, ऑसम, सेक्सी, एक नंबर। बोलो याद रहेगा? पक्का प्रॉमिस, वंडरफुल स्वीटहार्ट्स, बहुत बढ़िया, एक नंबर। चलो लास्ट है रेमेडीज, उसके बाद में न्यू वालों को कुछ एक्स्ट्रा की चीजें करवानी है, वो कब करवाऊंगा मैं, वो इतनी बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मिस मत करना, वो इंपॉर्टेंट है। कुछ नई चीजें ऐड हुई है, जैसे नेग्लिजेंस है और कंज्यूमर्स के लिए टॉर्ट में क्या रेमेडीज है वो सब, लेकिन ओल्ड वालों को है नहीं इसलिए मतलब नहीं है। ठीक है, सो
न्यू वालों अपन अलग से कर लेंगे उसको 6:30 वाले सेशन में जब टॉट करवाऊंगा। हाँ जी आ जाओ जल्दी से, अब इसको खत्म कर देते हैं फास्टी फास्टी, जल्दी जल्दी आ जाइए सभी लोग, हियर वी गो। चलो खत्म कर देते हैं, रेमेडीज बची है बस, क्या बची है बच्चों? रेमेडीज। दिक्कत नहीं ना अभी तक कोई? पक्का ना? चलो वंडरफुल, आ जाओ रेमेडीज पे आ जाओ, रेमेडीज इन टॉट। क्या बेटा? रेमेडीज इन टॉट। आइए सर बेली वर्सेस मैनचेस्टर शेल्फेडन वाला केस लॉ बता दो। अरे बहुत ही मैंने मिस कर दिया क्या वो केस लॉ? बहुत अच्छा केस लॉ है वो। बेली वर्सेस मैनचेस्टर में क्या होता है, एक व्यक्ति ट्रेन में चढ़ता है और उसके वो जो ट्रेन में जाता है ना वहां के लोग कहते हैं भाई यार तू गलत ट्रेन में चढ़ गया, तेरी ट्रेन तो दूसरी है। वो बेचारा उसको झूठ बोलते हैं, वो बेचारा दूसरी ट्रेन में जाता है, असली ट्रेन वही होती है जिसमें वो पहले आता है। तो क्या ये भी एक प्रकार से टॉर्ट है? मतलब मान लो मैं से फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे साथ दिल्ली जाना था मेरे को, मैं ट्रेन में चढ़ा, तुमने कहा मोदी सर दिल्ली की ट्रेन तो वो रही, ये तो बेंगलोर जा रही है, मैं उधर बैठा कहीं और ही पहुंच गया। सो ये क्या है? ये भी टॉर्ट में माना गया उसको, तो ऐसे हुआ था, इसको भी टॉर्ट माना गया, यही था बेली वर्सेस मैनचेस्टर शेलफील्ड वाला केस। ठीक है चलिए एनीवे नेक्स्ट है भाई साहब, ध्यान देना, जुडिशियल एंड नॉन जुडिशियल रेमेडीज। बोलो कौन सी? जुडिशियल एंड नॉन जुडिशियल रेमेडीज। आ जाओ रोमिंग हब बेटा उसको ना अलग से करेंगे। श्रेया लिखती है इसलिए आई हैव ट्रस्ट इश्यूज। चलिए शुरू करें। ओके लास्ट है, खत्म करते हैं फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ शुरू करते हैं। ठीक है एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ शुरू करते हैं जस्ट एंड 5 मिनट्स एंड आ जाओ जल्दी से रेमेडीज को कर लेते हैं। ठीक है जी चलो बच्चों आ जाओ फटाक से आ जाओ, लेट्स गो खत्म करो इसको, भारत माता की जय। सबसे पहला जब आपके साथ टॉर्ट होता है तो कोर्ट में जाके आप 3 चीजें मांग सकते हो। कोर्ट में जाके कौन सी 3 चीज मांग सकते हो? पहला तो डैमेजेस, दूसरा इंजंक्शन, तीसरा स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। क्या मतलब इन तीनों का? या तो पैसा मांगोगे, क्या मांगोगे? या तो पैसा। बोलो क्या मांगोगे? अरे बोलो क्या मांगोगे? या तो पैसा मांगोगे, और सबसे बेसिक चीज है जो कोई इंसान मांगता है, सबसे पहले क्या चाहिए? ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है, है ना जी, है ना जी, पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है भाई सब जीवन में, सही बात है कि नहीं है? कौन इंपॉर्टेंट है? पैसा जो है भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, क्या ही बताएं। हाँ जी सुनाओ गाइस, ओए सुनो, डैमेजेस। बोलो क्या बेटा? पहली चीज क्या मांगोगे आप? डैमेजेस। दूसरा क्या मांगोगे? इंजंक्शन। इंजंक्शन मांग सकते हो बिल्कुल, इंजंक्शन मतलब किसी को कुछ करने से रुकवाओगे आप, बिल्कुल, टू रिस्ट्रेन समवन फ्रॉम डूइंग सम। कोई व्यक्ति है जो आपके घर कचरा फेंकता है, आपके घर गंदगी करता है, आप उस पर इंजंक्शन लगा सकते हो। कोई व्यक्ति बार बार आपके घर घुस जाता है, इंजंक्शन लगा सकते हो। कोई रिलेटिव है बिन बुलाए आ जाते हैं, इंजंक्शन लगा सकते हो। अरे बोलो हाँ या ना। कोई एक्स है बार बार घर आ जाती है, इंजंक्शन लगा सकते हो। कोर्ट में जाके किसको बोलो आए नहीं आज के बाद, फेंके नहीं है कचरा हमारे यहाँ, हमारा गेट सफेद कलर का था लाल कर दिया थूक थूक के पान, इंजंक्शन लगा सकते हो। अरे बोलो यस और नो। और नेक्स्ट है स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। व्हाट मीन स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी? कि मेरी चीज उसके पास रह गई है वो दे नहीं रहा है, मुझे वापस दिलाओ। मेरी चीज उसके पास रह गई है वो दे नहीं रहा है, मुझे वापस दिलाओ। मैं आपके घर आया फोन भूल गया, आप कहते हो जिसको मिला उसका हम नहीं देंगे। मैं कहा भाई ऐसे कैसे, मैं कोर्ट में केस करूंगा और बोलूंगा कि मुझे वापस दिलाओ। सो भैया रेस्टिट्यूशन का मतलब यही होता है कि प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग प्रॉपर्टी टू द राइटफुल ओनर, प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग प्रॉपर्टी टू द राइटफुल ओनर, इसका मतलब ही है प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग प्रॉपर्टी टू द राइटफुल ओनर। अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है ना। सो कोर्ट जाके 3 चीजें मांगते हो, बोलो क्या क्या? या तो डैमेजेस, या तो इंजंक्शन, या तो स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है कोर्ट जाके क्या मांगते हो? बोलो या तो डैमेजेस, या तो इंजंक्शन, या तो स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। अच्छा ये तो कोर्ट जाके हो गया, कोर्ट के बाहर आपके पास क्या रेमेडीज है जिसमें आप कोर्ट की मदद नहीं लेते, उसके अलावा क्या रेमेडीज है? पहला है सेल्फ डिफेंस। बोलो क्या बच्चा? अरे बोलो क्या है? हाँ बोलो। सेल्फ डिफेंस मतलब क्या है?
क्या आप किसी पे रीजनेबल फोर्स यूज कर सकते हो? क्या आप किसी पे रीजनेबल फोर्स यूज कर सकते हो अगर कोई आपके ऊपर फोर्स यूज करना चाह रहा है? क्या आप किसी पे रीजनेबल फोर्स यूज कर सकते हो? सिर्फ हाँ या ना में बोलो। क्या आप किसी पे रीजनेबल फोर्स यूज कर सकते हो? बोलो हाँ या ना। अरे बोलो यस और नो। हाँ पक्का? तो यस। सो याद रखना, ठीक है बेटा, याद रहेगा। तो सेल्फ डिफेंस का मतलब क्या बताओ? यूजिंग अ फोर्स टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। लाइक आप मेरे पे फोर्स यूज करो, मैं फोर्स यूज कर सकता हूं। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास। व्हाट डू यू मीन प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास? मान लो कोई बेवड़ा आपके घर जबरदस्ती घुस रहा है, क्या आप फोर्स यूज कर सकते हो उसको निकालने के लिए? यस। इवन क्या आप अपने घर पे फेंसिंग लगा सकते हो? फेंसिंग लगा सकते हो आपके घर पे, कोई आपके घर पे अंदर ना आ पाए? यस। कई लोग कांच लगाते हैं, कांच लगाते हैं ना कई लोग, कई लोग बड़े लगे हैं कभी वो कांच? कभी नहीं लगे? मेरे दोस्त के घर मुझे लगे थे एक बारी, हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे तब, कांच रहते हैं। कई लोग कुछ सलाख लगाते हैं, सलाखे लगाते हैं ना, कई लोग तार लगाते हैं, है ना जी। सो ये प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास कहते हैं, ये भी अलाउड है और आप किसी पे फोर्स भी यूज कर सकते हो उसे हटाने के लिए। नेक्स्ट है री एंट्री ऑन लैंड। व्हाट डू मीन बाय री एंट्री ऑन लैंड गाइस? व्हाट डू मीन बाय री एंट्री ऑन लैंड बताओ? What do you mean by re-entry on land? क्या होता है? What do you mean by re-entry on land, guys? बताओ भी दो, बताओ भी दो, बताओ भी दो। क्या मैं, आप मान लो मैं, आप मेरे घर जबरदस्ती आ गए हो, रहने लग गए, मैं शांतिपूर्वक बोल सकता हूँ निकलो? क्या मैं शांतिपूर्वक बोल सकता हूँ निकलो पीसफुल मैनर में? अरे बोलो यस और नो। पीसफुल रीजनेबल मैनर में निकलवा सकता हूँ। अच्छा मेरे कोई गुड्स आपके पास आ गए, क्या मैं शांतिपूर्वक बोल सकता हूँ भाई मुझे वापस दे दो? यस। देखो रीएंट्री ऑन लैंड इज शांतिपूर्वक अपनी जमीन वापस लेना, रिकैप्चर ऑफ गुड्स इज कोई मूवेबल प्रॉपर्टी वापस लेना इन अ पीसफुल मैनर, इन अ पीसफुल एंड रीजनेबल मैनर, इन अ पीसफुल एंड रीजनेबल मैनर, ये इंपॉर्टेंट है लिखना, इन अ पीसफुल एंड रीजनेबल मैनर। अरे बोलो इन अ पीसफुल एंड रीजनेबल मैनर, ठीक है ओके। नेक्स्ट है अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस। व्हाट इज अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस? व्हाट इज अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस? बेस्ट एग्जांपल है यार इसका, हमेशा से हम देखते हैं, एक व्यक्ति है, ये मेरा घर है, ये आपका घर है, आपके घर में एक पेड़ है, उसकी ब्रांचेस मेरे यहाँ आती है, पत्ते आते हैं, शाखाएं आती है, मैं कट कर सकता हूँ उसको? यस, है ना। आपके घर है, कुछ सलाख मेरे घर आती है उसकी, मैं कट कर सकता हूँ उसको? यस। आपका घर है उसमें कुछ तो भी आपने ना लाइट लगाई है, कुछ भी लगाया हुआ है, वो मेरे घर से होके जा रहा है, क्या मैं कट कर सकता हूँ रीजनेबल मैनर में? मगर आपकी कोई चीज मेरे को परेशान कर रही है, मैं कर सकता हूँ, या तो मैं आपको नोटिस दूंगा, या तो मैं अननेसेसरी डैमेज को अवॉइड करूंगा, या तो ऐसी चीज चुनूंगा जिससे आपको भी ज्यादा नुकसान ना हो, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, मैं भैया बिल्कुल कट कर सकता हूँ। इसे कहते हैं अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस। क्या बोलते हैं? बोलो अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस। अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिस्ट्रेस डैमेज फीसेंट। क्या बेटा? डिस्ट्रेस डैमेज फीसेंट। मान लो से फॉर एग्जांपल किसी का कैटल चैटल, मतलब कोई भेड़ बकरी जानवर, मान लो से फॉर एग्जांपल मेरे घर एक कुत्ता था, वो आपके घर आ गया और बहुत तहस नहस कर दिया, क्या आप कुत्ते को जब्त कर सकते हो जब तक आपको पैसे ना मिले? यस। इसे कहते हैं डिस्ट्रेस डैमेज फीसेंट। बोलो क्या कहते हैं इसको? डिस्ट्रेस डैमेज फीसेंट। आप उस कुत्ते को जब्त करके रख सकते हो जब तक आपको उसके पैसे ना मिले। सो इसे कहते हैं डिस्ट्रेस डैमेज फीस। एंड तो कितनी एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज है बता दो? सेल्फ डिफेंस, प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास, री एंट्री ऑन लैंड, रिकैप्चर ऑफ गुड्स, अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस और डिस्ट्रेस डैमेज फीस। एंड फिर से बोलो एक बार, सेल्फ डिफेंस, प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास, री एंट्री ऑन लैंड, रिकैप्चर ऑफ गुड्स, अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस, डिस्ट्रेस डैमेज फीस। एंड फिर से बोलो एक बार, सेल्फ डिफेंस, प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास, re-entry on land, recaption of goods, abatement of nuisance, distress, damage, fee cent. बोलो हाँ या ना, याद रहेगा? अरे बोलो पक्का, promise, 100%। चलो lovely, sexy, awesome, एक number. So thank you so much, भगवान आपका भला करे। अब हम क्या शुरू करेंगे? Administrative law. Thanks a lot. Thanks a lot. Thanks a lot. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ शुरू कर रहे हैं, 5 मिनट में शुरू करता हूं। कितने मिनट में?
पांच मिनट में शुरू कर रहा हूं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, आ जाना जल्दी से। ठीक है ना बच्चू? ओके लव यू टू, आ जाओ। ज्योति कह रही है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में फर्क क्या? बेटा कोई ऐसी चीज एस्केप हुई जो जानलेवा नहीं है, डेंजरस नहीं है, वो स्ट्रिक्ट में आएगा। जानलेवा चीज है तो एब्सोल्यूट में आएगा। स्ट्रिक्ट में बचने के चांस है, एक्सेप्शन है, एब्सोल्यूट में नहीं है, है ना? चलो थैंक यू बाय। बंसल जी मैं ना उसकी लिंक दूंगा, वहां से देखना है वो आपको। आई विल सेंड यू इंटरप्रिटेशन स्टैच्यू के लिए, ठीक है? तो नहीं होगा सौरभ, अगर एजेंट ने आउटसाइड द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट काम किया है तो प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा, ठीक है? ट्रेसपास वाला समझा दो। ट्रेसपास मतलब अगर मैं आपके घर घुस जाता हूं जबरदस्ती, ट्रेसपास है, आप मुझे निकाल सकते हो, एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी आपकी है ना। इस लिंक पर कंटिन्यू नहीं होगा, नई लिंक आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। यूट्यूब पे आ जाओ फटाक से, उस पे मिल जाएगी, ठीक है? रोमिंग हब करो उसको, ठीक है? चलो मिलते हैं जल्दी से, लव यू, आ जाओ फटाक से, बाय टाटा।